ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेव जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर चोरप्रभु जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मा चोर जय जय मा चो श्रीकृष्णचन्द्र भगवान की जगत गुरु शील की उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब जूम आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण आप सभी भक्तों का श्रीमद्भागवत कथा के ष्ठ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम तो कई बार लोगों के मन में ऐसा होता है कि ये राशि से किसी का नाम शुरू हुआ है इस अक्षर से किसी का नाम शुरू हुआ है तो वह ठीक है ठीक नहीं है लेकिन वक्तों शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो रावण जो पूरी दुनिया में आतंक मचा रहा था रावण रावती इति रावण जो पूरी दुनिया को रुला रहा था रावण जो अनेकों प्रकार के अत्याचार कर रहा था इस दुष्ट रावण का नाम र से शुरू होता है लेकिन उसी रावण को मारने वाले भगवान रामचंद्र का नाम भी र से शुरू होता है यदि यदि राशि से ही किसी के स्वभाव का अंदाजा लगाना चाहते हो तो कहाँ रावण और कहाँ भगवान रामचंद्र दोनों की राशि एक है, दोनों के नाम एक अक्षर से शुरू होते हैं लेकिन कहाँ रावण कहा भगवान रामचंद्र फिर और आगे चले तो कंस को ले लीजिए द्वापर युग में कंस कितना क्रूर था कंस ने कितना अत्याचार किया कंस ने क्या नहीं किया लेकिन उसी कंस को मारने वाले क अक्षर से ही जिनका नाम शुरू होता है वो है कृष्ण तो ये ये राशि से किसी के स्वभाव या भाव का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता इवन इवन समान राशि से ही दुष्टों का वध हुआ ऐसा इतिहास में देखा गया है hmm? रावण का वध र अक्षर से ही शुरू होने वाले भगवान राम के द्वारा हुआ क अक्षर से शुरू होने वाले कंस का वध क से ही शुरू होने वाले कृष्ण से हुआ आज वर्तमान में पूरा जगत कोरोना से परेशान है कलयुग से परेशान है और क्रोध क्लेश कलह से परेशान है तो जैसे रा को रावण को राम ने मारा कंस को कृष्ण ने मारा यदि ये कलह को क्रोध को या इस कोविड को कोरोना को यदि हमें मारना है तो क से ही शुरू होने वाला एक ही तत्व है जिससे हम इसका विनाश कर सकते हैं और वो है कथा कथा के माध्यम से ही इस कलयुग के क्लेश को हम दूर कर सकते हैं तो हमारा परम सौभाग्य है कि देसाई परिवार के सहयोग से और शिल प्रभुपाद की कृपा से ये सुंदर कलयुग के कलह क्लेश और कोविड से मुक्त करने वाली भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं बहुत सुंदर गोविंद दामोदर स्त्रुति में बिलवा मंगल ठाकुर लिखते हैं कि जीव है सदेव भज सुंदराणी नामानी कृष्णस्य मनोहराणी समस्त भक्ता आर्त विनाशनानी गोविंद दामोदर माधवे ये गोविंद ये दामोदर ये माधव ये भगवान कृष्ण और कृष्ण की कथा कैसी है तो कहते हैं नामानि कृष्ण से मनोहराणी भगवत कथा मन को हरने वाली मन को आनंद देने वाली मन को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा टॉनिक यदि कोई है तो वह है कृष्ण कथा भगवत कथा और इतना ही नहीं समस्त भक्त आर्त विनाशनानी गोविंद दामोदरमा धवेती समस्त भक्तों के आर्थ दुख को विनाश कर देती है ये भगवत कथा भक्तों का दुख ये नहीं है कि हमारे पास धन नहीं संपत्ति नहीं जॉब नहीं भक्तों का तो एक ही दुख होता है कि हमारे पास भगवान नहीं हैं भगवान के साथ हमारा अंतराल हमारी दूरी है तो ये भगवत कथा भक्तों और भगवान की जो दूरी है उस दूरी को मिटा देती हैं तो ऐसी पावन पवित्र भगवत कथा श्री भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं <laughs> और कथा में हमारी हेमी माता जी ने यह सब्जेक्ट चुना है नव योगेश्वर और निमी महाराज का मिलन ये संवाद बहुत सुंदर निमी महाराज के वहाँ जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जनकपुर मिथिला के राजा निमी महाराज के वहाँ भगवान ऋषभ देव के ये श्रेष्ठ नव पुत्र जिसे नव योगेश्वर कहते हैं ये पधारे निमी महाराज ने सुंदर स्वागत किया और निमी महाराज का सुंदर उद्गार बहुत सुंदर कल हमने सुना मैं थोड़ा सा आपको याद करा दूं विदेह उवाच विदेह राज निमी महाराज ने नव योगेश्वर जी का स्वागत करते हुए कहा कि मनिये भगवत साक्षात पार्षदान वो मधुद्विष है हे नवयोगेश्वर मुनि दुनिया के लोग आपको कुछ भी कहते हो लेकिन मेरे लिए तो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के साक्षात पार्षद के समान हो इतनी श्रद्धा इतना विश्वास जब तक गुरु में और वक्ता में नहीं होगा तब तक कथा का पूरा पूरा लाभ हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्या कहते हैं मनिए भगवत साक्षात पार्षदान मधु मुझे तो आप भगवान के पार्षद लगते हो प्रश्न हो सकता है भगवान के पार्षद तो भगवान के धाम में होते हैं धरती पर क्या करते हैं बहुत तो सुंदर कहा विष्णु भूतानी लोका नाम पावनाय चरंती ही भगवान विष्णु के जन भगवान विष्णु के भक्त पार्षद लोगों का उद्धार करने के लिए जगत को पवित्र करने के लिए इस जगत में इस संसार में विचरण करते हैं और यदि आपको याद होगा तो इस श्लोक के अंत में ही शब्द कहा गया पावनाय चरंती ही, ही माने निश्चित ही निश्चित ही भगवान के भक्त पार्षद केवल संसार को धरती को पवित्र करने के लिए इस संसार में विचरण करते हैं तो हे नवयोगेश्वर मुनि, एक तो ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है बहुत सुंदर निमी महाराज कहते हैं कि दुर्लभ हो मानुषो देहो ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है भगवान रामचंद्र ने भी अयोध्या में अवधवासियों को कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ मुनि संत रुगावा ये मनुष्य जीवन तो देवताओं को भी दुर्लभ देव दुर्लभ मनुष्य जीवन और यह मनुष्य जीवन कैसा है दुर्लभ हो मानुष्य देहो दे क्षण भंगुर एक तो यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है और जब मिला है तो एक बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि यह क्षण भंगुर है यह मनुष्य जीवन कभी भी खत्म हो सकता है कभी भी नष्ट हो सकता है इसलिए इस शरीर को छोड़ने की पूरी पूरी तैयारी हमें रखनी चाहिए गुरुदेव ने हमारे वृंदावन ने बहुत सुंदर आज निवेदन दिया आप देख सकते हैं स्क्रीन पर परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ये बहुत सुंदर कहते हैं सभी गृहस्थों को यह समझना चाहिए कि मरते दम तक घर पर ही रहने की योजना नहीं बनानी चाहिए क्योंकि उससे बहुत बहुत दुर्गति होती है कुछ काल गृहस्थ रहकर वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पचास साल की आयु होने पर पति पत्नी को घर त्याग कर देना चाहिए निश्चित कृष्ण भजन करने के लिए घर की समस्त जिम्मेदारियों को छोड़कर पति पत्नी को अलग रहना चाहिए देह में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और कुछ कमाने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए ये वानप्रस्थ अवस्था की बात कर रहे हैं कि एक सर्टन एज उम्र हो जाने के बाद पति पत्नी को चाहिए कि बस जीवन में कर्म के अनुसार सुख सुविधा धन जो अर्जन हुआ है उसी में अपना जीवन बिताए और अपना जीवन का लक्ष्य भगवान का भजन भगवान की भक्ति रखे क्यों क्योंकि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और दुर्लभ के साथ साथ क्षण भंगुर है कभी भी खत्म हो सकता है कभी भी मर सकता है और इस मनुष्य जीवन में सबसे अधिक दुर्लभ क्या है तो कुछ लड़के कहेंगे शादी करना दुर्लभ है लड़की नहीं मिल रही है तो कुछ लोग कहेंगे पैसे कमाना दुर्लभ है कुछ लोग कहेंगे बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदना दुर्लभ है बैंक बैलेंस दुर्लभ है लेकिन निमी महाराज कहते हैं कि तत्रापि दुर्लभम हम मनिए बहुत सुंदर कहते हैं कि हे प्रभु मनुष्य जीवन दुर्लभ है लेकिन इस मनुष्य जीवन में भी तत्र अपि दुर्लभम मनुष्य जीवन में भी सबसे अधिक दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शनम वैकुंठ को प्रिय ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रिय ऐसे भक्त या भगवान जिसको प्रिय है ऐसे भक्तों का दर्शन इस धरती पर बहुत दुर्लभ है समस्त वेद और शास्त्रों को सूत्र में स्थापित कर दिया देवर्षि नारद ने और उनका नाम दिया नारद प्रेम सूत्र नारद भक्ति सूत्र नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं सत्संगम दुर्लभम अगम्यो अमो सत्संग जो है बहुत बहुत दुर्लभ है सबको नहीं मिलता नहीं तो दुनिया में सब सत्संग कर रहे थे सत्संग सबको नहीं मिलता सत्संग अत्यंत दुर्लभ है और कदाचित सत्संग मिल गया तो कहते हैं अगम्यो है सत्संग यदि मिल जाए तो वो फल दिए बिना रह नहीं सकता सत्संग करने का फल मिलेगा मिलेगा और अवश्य मिलेगा फिर एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध आप पल भर, भर भी यदि सत्संग करते हो तो कुछ लाभ होगा इसलिए सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज ने जब विभीषण का दर्शन किया और विभीषण को देखा कि ये राम का भगत है हनुमान जी अपना सारा काम छोड़कर विभीषण के पास गए किसी ने पूछा कि आप तो सीता को खोजने आए हैं डिस्टर्ब नहीं होगा बोले नहीं साधु को मिलने में अपने कार्य की हानि कभी नहीं हो सकती है तो साधु का जो दर्शन है दुर्लभ है ऐसे दुर्लभ दर्शन यदि हो जाए तो वो पूर्ण रूप से फल दे सकते हैं इसलिए देर फोर सो दैट अतः अब अगला श्लोक प्रारंभ करते हैं इसलिए हे नवयोगेश्वर मुनि कहते हैं अत आत्यंतिक्षेम पृछामो भवतो नगा संसार क्षणार्दोपी संसारेन क्षणार्धोपी सतसंग शिवधी इंद्र सत्संग शिवधी इंद्र निमी महाराज कहते हैं कि हे नवयोगेश्वर जी इसीलिए अतः आत्यंतिकं आत्यंतिकम क्षेम इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ के जीव का आत्यंतिक क्षेम जीव का वास्तविक कल्याण कैसे होगा बहुत सुंदर कहते अत आत्यंतिकम क्षेम परीक्षामो भव तो नघा अतः इसलिए क्योंकि मनुष्य जीवन दुर्लभ है मनुष्य जीवन में सतसंग दुर्लभ है इसलिए मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता मैं आपसे यह जानना चाहता हूं जिज्ञासा करता हूं पुरुषामो मैं आपको पूछ रहा हूं आत्यंतिक्षेम आत्यंतिक माने अल्टीमेट आत्यंतिक माने क्षेम माने कल्याण ऐसा कल्याण ऐसा कल्याण के फिर कुछ करने लायक बचे ही नहीं हमारा क्या न हमारे जीवन की प्रत्येक चेष्टा इमकम्प्लीट होती है अर्थात हम सोचते हैं कि हम ये अचीव कर लेंगे तो संसार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे और पूर्ण प्रसन्न हो जाएंगे लेकिन वह चीज मिल भी जाती है फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है फिर अन्य कोई वस्तु प्राप्त करे फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है लेकिन आत्यंतिक क्षेम उसे कहते हैं कि ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए फिर किसी भी वस्तु की आवश्यकता ना रहे जिसे हम कह सकते हैं अनवध्य सुख ऐसा सुख जिसमें दुख की गंध भी ना हो जिसका कोई अंत ना हो ऐसा परम सुख तो कहते हैं अतः आत्यंतिकम क्षेम परिछ्यामी भवतो हम आपको पूछ रहे हैं कि जीव का आत्यंतिक कल्याण कैसे होगा और हे नवयोगेश्वर मुनि आप ये बता सकते हो क्यों क्योंकि भवतो आप लोग अनघा बहुत सुंदर शब्द है दूसरी लाइन के अंत में कि भवतो अनघा क्योंकि आप आप सब अनघ हो अघ माने पाप और अनघ माने निष्पाप हे नवयोगेश्वर मुनि आप निष्पाप हो आपके अंदर किसी भी प्रकार का पाप नहीं है इसका अर्थ ये है कि भगवत कथा वही बोल सकता है प्रवचन वही कर सकता है ये भागवत गीता रामायण जैसे शास्त्रों को वही बोल सकता है बता सकता है जो अनघ है जो निष्पाप है जो अपने जीवन में कभी पाप नहीं करते हैं ये है वक्ता की क्वालिफिकेशन यह यह भगवत कथा बोलने वाले की क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन वो है अनघा सो so, हे अनघ कृपया करके आप बताइए किसी ने कहा कि महाराज निमी महाराज ये बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं इन ऋषि मुनि का कुशल मंगल तो पूछो आप सीधा सीधा प्रश्न पूछने लगे आपके घर पर कोई साधु आया और सीधा बिठाकर आप कहने लगे कथा सुनाओ पहले पूछो तो सही कि आप कैसे हो आपकी तबियत कैसी है हाउ आर यू फाइन ये वो तो करो तब बहुत सुंदर कहते हैं कि संसारे अस्मिन क्षणाधोरपी अस्मिन संसारे इस संसार में अर्ध क्षण अपी आधा क्षण भी सतसंग जो है ये दुर्लभ है इसलिए मैं मेरी आधी सेकेंड भी बिगाड़ना नहीं चाहता हूं और दूसरी बात निमी महाराज जानते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उसे फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती ये फॉर्मेलिटी की आवश्यकता जो ना संसार के लोगों को होती है हैं कि आप कैसे हो कैसे चल रहा है क्या चल रहा है और कदाचित किसी साधु का भक्त का मन भगवान में लगा हुआ है और संसारिक आदमी को ये पूछना भूल गया तो संसारिक आदमी को बुरा लग जाता है कि ये तो भगत बन गए हैं अब तो हमको फ़ोन भी नहीं करते हैं हमारा कुशल मंगल भी नहीं पूछते हैं संसार के लोग भगत को उसी दृष्टि से देखते हैं भक्त के मन में कोई दोष नहीं होता उनका मन पूर्ण रूप से भागवत और भगवान में लगा होता है लेकिन संसारिक लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई हमारा कुशल मंगल पूछे आप किसी का कितना भी कुशल पूछ लो वो कोई कुशल होने वाला नहीं है इसलिए साधु जो होते हैं ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि यदि भजन में अड़ग रहना है जीवन में प्रगति करनी है तो अमानी न स्वयं मान की आशा एक्सपेक्टेशन कभी न रखे स्वयं अमानी न और मान देन और दूसरों को मान देते रहे तो निमी महाराज ये जानते थे कि समय बिगाड़ना ठीक नहीं है इसलिए संसारे अस्मिन क्षणो धरपी वे कहते हैं कि अस्मिन संसारे क्षण अर्धो अपि माने अर्ध क्षण आधा क्षण भी सत्संग शवधि निर्णाम शेवधि माने संपत्ति शेवधि माने संपत्ति जो आपकी तिजोरी में है ना और आपके जो बैंक बैलेंस में पड़ी है ना ये उसका नाम है शेवधि निमी महाराज कहते हैं कि निर्णाम संसार के निणाम माने मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी शेवधि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है इस धरती पर मनुष्य के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है तो कहते हैं सत्संग। ये सत्संग जो है ये सबसे बड़ी संपत्ति है क्योंकि देखा गया है कि अपनी तिजोरी में और बैंक बैलेंस में करोड़ों होने के बाद भी लोग सुसाइड करते हैं आत्महत्या करते हैं ये धन ये सोना ये रुपया ये पैसा ये गाड़ी बंगले ये सब सुख और शांति के माध्यम नहीं है इस संसार में वास्तविक सुख सुख और शांति और जीवन की प्रगति मात्र सतसंग से हो सकती है इसलिए जनकपुर का राजा विदेह बोल पड़ा कि इस धरती पर सबसे बड़ी संपत्ति है तो वो है सतसंग हु? तो भक्तों सतसंग बहुत बड़ी संपत्ति है तो संसारे अस्मिन क्षणों धरपी सतसंग सेवधि निर्णाम भक्तों रामायण में देखिए सतसंग प्राप्त करके साधुओं की संगति करके क्या आनंद मिलता है इसी बात को रामायण में कहा गया जन्म रंग जिमि पार स पावा जनमरंक झिमि पार स पावा अंध ही लोचन लाभ सुहावा जन्म से कोई दरिद्र है गरीब है गरीबी में अपना जीवन जिया है ठीक से रहने के लिए घर नहीं पहनने के लिए वस्त्र नहीं खाने के लिए भोजन नहीं ऐसी दरिद्रता जिसने भोगती है और ऐसे दरिद्र व्यक्ति को अचानक अचानक मणि मिल जाए है स्पर्शमणि मिल जाए और उसे जितना आनंद होता है और जन्म से जो अंधा है जगत को देखा नहीं आंखों से जगत का अनुभव किया नहीं ऐसे जन्म से अंधे व्यक्ति को अचानक आंख मिल जाए और जितना सुख होता है उतना ही सुख सतसंग करके प्राप्त होता है सो so, इस प्रकार निमी महाराज नव योगेश्वर मुनि के लिए कह मानो नव योगेश्वर मुनि कहे कि आप तो जानते हैं कि जीव का आत्यंतिक हित भागवत धर्म से होता है निमी महाराज कहे तो ठीक है तो आप भागवत धर्म का ही उपदेश कर दीजिए बहुत सुंदर निमी महाराज अगले श्लोक में कहते हैं धर्मान भागवतान ब्रुत यदि न श्रुय ये प्रसन्न प्रपन्नाय ये प्रसन्न प्रपन्नाय आत्मानम् अपि अजह दास्यति आत्मानम् अपि अजह, आत्मानम अजह। निमि महाराज कहते हैं कि हे नवयोगेश मुनि तो कृपया करके धर्मान भागवतान ब्रुत कृपया करके भागवतान धर्मान ब्रुत भागवत धर्म बोलो देखिए यहाँ पर किसी ने भी चाहे वसुदेव जी को नारद मुनि मिले परीक्षित को सुखदेव मिले स्वन कादि ऋषि को सूत जी मिले किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मंत्र मार के कोई फल दे दो कोई फूल दे दो हमारे पीठ पर हाथ हाथ घुमा दो हमारा सारा काम बना दो ऐसा कुछ नहीं कहा इन सभी लोगों ने केवल एक ही कामना की कि ब्रूत आप बोलो और हम सुने दैट्स ऑल इसलिए कहते हैं धर्मान भागवतान ब्रूत आप बोलो क्या बोलो भागवतान धर्मान भागवत धर्म के विषय में कृपया करके आप सुनाइए मानो मानो निमी महाराज के मन में हो गया अरे यार ये तो मैं ये तो मैं फरमाइश कर बैठा फरमाइश दायरे में होती है कथा में नहीं होती है हैं? जहाँ पैसे उड़ाए जाते और न जाने क्या क्या नोटन की होती है फरमाइश वहाँ होती है फरमाइश रेस्टोरेंट में होती है कि मेरे लिए दो पिज़ा पास्ता बर्गर ये 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 कथा में फरमाइश होती है सीधी सीधी फरमाइश करते हुए कहा कि भागवतान धर्मान वृत तो मानो निमी महाराज के मन में ऐसा हुआ अरे मैं तो मैं तो एक फरमाइश कर बैठा मैं तो आज्ञा दे दिया इसलिए दूसरी लाइन में अपनी गलती को सुधारते हुए कहते हैं यदि न श्रूय क्षमम् हे नवयोगेश्वर मुनि यदि देखिए यदि संस्कृत का शब्द है ये एज इट इज हिंदी में लिया गया है हिंदी में हम यदि बोलते ना तो संस्कृत में भी यदि का अर्थ सेम होता है तो यदि यदि न हम लोग श्रूयते सुनने के लिए क्षम योग्य है यदि आप हमें भागवत धर्म को सुनने के लिए योग्य समझते हो तो कृपया करके आप हमें भागवत धर्म सुनाइए नहीं तो कई बार क्या होता है ना हमारी योग्यता होती नहीं और हम शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें सुनना चाहते हैं अब वो सुनने के बाद भी समझ में कुछ आएगा नहीं उल्टे हम अपराध कर बैठे गए इसलिए जब भी हम किसी वक्ता से या गुरु से निवेदन करें कि हम ये सुनना चाहते हैं तो साथ में यह भी कहना चाहिए यदि हम सुनने के योग्य है तो कृपया करके आप हमें यह सुनाइए मानो नव योगेश्वर मुनि कहे कि भागवत धर्म सुनकर तुम्हें क्या मिलेगा तो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ये प्रसन्न प्रपन्नाय सबसे पहले तो भागवत धर्म की कथा सुनकर भागवत धर्म के विषय में सुनकर ये प्रसन्न ये माने भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे ये प्रसन्न माने ये माने योगेश्वर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर क्या करेंगे प्रपन्नाय प्रसन्न होकर वे वे कुछ देंगे क्या देंगे लास्ट लाइन बहुत संधि अनेकों शब्द जोड़े हुए हैं उसको अलग करके आप देखिए कि ये प्रसन्न यदि भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए कैसे भागवत धर्म को सुनकर यदि प्रसन्न हो गए तो कहते हैं दास्यती चौथी लाइन में कहते हैं दास्यती कृष्ण दे देंगे क्या दे देंगे तो कहते हैं दास्यति आत्मा नम, कहते हैं कि आत्मानम स्वयं भगवान कृष्ण अपने आप को दास्यती कृष्ण अपने आप को दे देंगे दास्यति में कहते हैं अपि अजह यद्यपि कृष्ण अजन्मा है यद्यपि स्वयं भगवान है इस संसार के नाथ है लेकिन यदि कोई भागवत धर्म के विषय में सुनेगा तो भगवान इतने प्रसन्न होंगे कि वे अपने आप को दे देंगे अपने आप को हाँ, इसलिए कृष्ण का एक नाम है आत्मद आत्मद आत्म माने स्वयं द माने देना कृष्ण जिन पर प्रसन्न होते हैं वे अपने आप को दे देते हैं तो कहते हैं कि अपने आप को प्रदान कर देते हैं जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपने आप को दे दिए अर्जुन का रथ चलाए दुर्योधन का नाई बन गए यशोदा माता के हाथों में बंध गए और बली महाराज के वहां कृष्ण द्वारपाल हो गए इसे कहते हैं आत्मद अपने आप को दे देना सो भागवत धर्म को सुनकर भगवान अपने आप को प्रदान कर देते हैं अब ज्यादा समय न लेते हुए आइए भागवत धर्म के विषय में सुनते हैं एक श्लोक नारद मुनि अपनी ओर से कमेंट करते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं ये कथा नारद मुनि वसुदेव जी को सुना रहे हैं। इसलिए इस बत्तीसवें श्लोक में नारद मुनि कहते हैं वसुदेव जी को श्री नारद उवाच एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महतमा प्रति पूज्या ब्रुवन प्रीत्या प्रति पूज्या ब्रुवन प्रीतिया स्विज नृपम ससदस्य त्विज नृपम श्री नारद मुनि वसुदेव जी को द्वारिका में ये कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एवं ते वे निमिना पृष्ठा निमि महाराज के द्वारा पूछा गया वसुदेव महत्तमा हे वसुदेव जी एवं इस प्रकार निमि महाराज के द्वारा प्रश्न पूछा गया किसको पूछा गया महत्तमा नव योगेश्वर मुनि को यहां पर नारद जी महत्तम कहते हैं महत्तम एक तो होते हैं महत महत माने महात्मा एक होते हैं महत उसके ऊपर होते हैं महत्तर महत महत्तर और उसके ऊपर होते हैं महत्तम तो महात्माओं में भी जो सबसे ऊंचे कोटि के महात्मा है उसे महत्तम कहते हैं तो इस प्रकार से वसुदेव जी ने महत्तम महात्मा नव योगेश्वर मुनि को प्रश्न पूछा तो फिर प्रश्न पूछने से नव योगेश्वर मुनि ने क्या किया तो कहते हैं प्रति पूजियान ब्रुवन प्रीत्या नव योगेश्वर मुनि ने निमि निमी महाराज का अनुमोदन किया और प्रीत्या प्रेम से सद त्वीरजम नृपम स सदस्य सदस्यों के साथ नवयोगेश्वर मुनि नृपम महाराज निमी आदि को भागवत धर्म के विषय में कहने लगे भक्तों पर क्या हुआ कि निमी महाराज ने नौ प्रश्न पूछे फिलहाल तो एक ही प्रश्न पर हम अटके हुए हैं कि भागवत धर्म किसे कहते हैं लेकिन आगे चलकर टोटल निमी महाराज ने नौ प्रश्न पूछे और इस नौ प्रश्न का उत्तर एक एक योगेश्वर ने दिया कवि ने एक उत्तर हरि तीसरा अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्भत द्रुमिल चमस और कर भाजन तो नौ प्रश्न थे और नौ प्रश्नों का उत्तर एक एक ऋषि ने दिया और ऋषियों में कोई झगड़ा नहीं था बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग थी कि प्रश्न पूछने पर एक दूसरा प्रश्न पूछने पुछ, पर दूसरे आजकल तो क्या होता है कि दो वक्ता भी यदि मिल जाए ना तो दोनों के मत अलग पड़ते हैं है? किसी का कोई और मत होता है किसी का कोई और लेकिन ये नव योगेश्वरों के लिए प्रश्न भिन्न भिन्न थे लेकिन कंक्लूजन इनका परियोवसान तो केवल एक में ही था भगवत प्रेम भगवत सेवा में सो बहुत सुंदर नौ व्यासपीठ लगी हुई थी और जब भागवत धर्म के विषय में प्रश्न पूछा तो नव योगेश्वर में सबसे बड़े सबसे ज्येष्ठ जिनका नाम था कवि कवि ऋषि उत्तर देने लगे अब भागवत धर्म को वन वर्ड में या वन सेंटेंस में यदि कहना है वैसे 10-15 श्लोक में भागवत धर्म के विषय में बताया गया है उनका स्वरूप उनका लक्षण ये सारी बातें आएगी लेकिन एक सेंटेंस में यदि भागवत धर्म को बोलना है कहना है तो क्या कहेंगे तो भागवत धर्म का सार पहले बता रहे हैं तो आइए जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है कवि ऋषि भागवत धर्म के विषय में ऐलान कर रहे हैं मन कुत भयम पादाम बुजो पा सनमत्र नीत्यम् उद्विग्नबुद्धे रसदात्म भावा उद्विग्नबुद्धे रसमात्म भावाद विश्वात त्रनवर्तते भी सो so, नव योगेश्वर मुनि में से प्रथम ऋषि जिनका नाम था कवि ऋषि तो श्री कवि च कवि ऋषि कहते हैं कि है सबसे पहले तो कि यदि निमि महाराज आप मुझे पूछ रहे हो तो मेरे द्वारा भागवत धर्म किसे कहा जाता है तो सुनिए तो मनिए मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है मतलब हम नौ योगेश्वरों को ऐसा लगता है हम नौ को अर्थात भगवान ऋषभ देव या सब को वेदों में ऐसा लिखा है क्या कहते हैं अकुतश्चित अभयम अच्युत मनिए मुझे ऐसा लगता है कि अकुतश्चित अकुतश्चित माने सर्वथा सर्वदा अकुतश्चित का अर्थ होता है सर्वदा सर्वथा मतलब ऑल टाइम एवरी टाइम तो मनीये मुझे ऐसा लगता है कि कुतस्चित सब समय अभयम अच्युतस्य सब समय अभयम अभय प्रदान करने वाले हु? सब समय अभयम अभय प्रदान करने वाले अचुत अब भय तो आप सब जानते हैं दुनिया में अनेकों प्रकार का भय होता है आजकल सबसे बड़ा भय है कोविड नाइन्टीन का भय अब कोविड नाइन्टीन के बाद मंदी का भय ऐसी मंदी आने वाली है तो मंदी का भय है फिर रोग का भय है बुढ़ापे का भय है बहुत प्रकार का भय और सबसे बड़ा मृत्यु का भय तो कहते हैं मनु अकु, अकुतश्चित सदा के लिए आ, आ, सब समय भयम अच्युत इस दुनिया में जितने भी भय हैं उन सारे भयों से मुक्त करने वाले इसलिए कहते हैं अभयम संसार के सारे भयों से मुक्त करने वाले कौन है अच्छुत अच्युत भगवान कृष्ण दुनिया के सभी भयों से मुक्त करने वाले अच्युत भगवान कृष्ण और कृष्ण नहीं है भय से मुक्त करने वाले कृष्ण नहीं है कैसे कहते हैं अच्युत कृष्ण के अच्युत नहीं अच्छुत माने भगवान कृष्ण के अच्युत के क्या अच्युत के पादाम बुजा भगवान कृष्ण के पदाम्बुज चरण कमल तो कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं कहते हैं अभयम सदा के लिए भय से मुक्त करने वाले हैं भगवान कृष्ण के चरण एक एक शब्द में आपको बता रहा हूं कि मनीये मुझे ऐसा लगता है कि चित सदा के लिए अभय प्रदान करने वाले अच्युत भगवान अच्युत के कृष्ण के पदाम्बुज अब अच्युत शब्द से बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं च्युत माने गिरना अच्युत माने जो कभी भी गिरते नहीं हैं कहाँ से नहीं गिरते हैं अपने रूप से नहीं गिरते हैं भगवान श्री कृष्ण का रूप अनंत काल से सोलह साल के युवक सुंदर रूप है और अनंत काल तक रहेगा हमारा रूप आज है कल नहीं है, है ना लेकिन भगवान का रूप अच्युत है कभी गिरता नहीं है हमारा रूप गिर जाता है, है? हमारी वाणी भी गिर जाती है हमारा वचन भी गिर जाता है आज वचन दिया कल नहीं निभाते लेकिन जो अपने रूप, अपने 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 रूप, गुण, अपनी लीला, अपने नाम, अपने धाम किसी भी चीज से जो गिरते नहीं है उसे अच्युत कहते हैं तो मनिये अकुत सदा के लिए अभयम अभय प्रदान करने वाले अच्युत अच्युत के पदाम्बुज चरण कमल चरण कमल की उपासनम अत्र नित्यम भगवान कृष्ण के चरण कमल की उपासना अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति करना ही नित्यम नित्यम माने सनातनम मैं कृष्ण के चरण कमल की भक्ति करने को ही भागवत धर्म मानता हूं अर्थात कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति करना ही भागवत धर्म है और नित्यम शब्द से अर्थ है सनातन धर्म है दो चीज होती है ना एक होता है अनित्य और एक होता है नित्य तो नित्य माने सनातन जिसका कभी अंत ना हो तो सनातन धर्म किसे कहते हैं जैसे पूर्व में हम ये सारी बातें कर चुके हैं कि धर्म बहुत सारे हैं लेकिन जैसे स्कूल में आप जाओ तो सभी ग्रेड के बच्चे पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड लेकिन सबसे टॉप क्लास कौन सा होता है यूनिवर्सिटी का लेवल होता है ठीक उसी प्रकार धर्म कोई गलत नहीं सब लोग अपने अपने ग्रेड में हैं लेकिन उन धर्मों में टॉप धर्म कौन सा है सबसे ऊपर का धर्म उसे सनातन धर्म कहते हैं वो है सनातन धर्म और सनातन धर्म क्या है तो कहते हैं अच्युत बुज उपासनम भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति ये भागवत धर्म है ये सनातन धर्म है तो भगवान अच्युत के चरण कमलों की भक्ति करके क्या मिलेगा भगवान अच्युत के चरण कमलों की भक्ति करके क्या प्राप्त होगा बहुत सुंदर बात है उद्विग्न बुद्धे इस दुनिया में प्रायः हम सब की बुद्धि कैसी है उद्विग्न बुद्धि में बुद्धि में उद्विग्नता है बहुत बड़ी परेशानी है बुद्धि में तो कहते हैं उद्विग्न बुद्धि हम सब की बुद्धि उद्विग्न है और बुद्धि उद्विग्न का कारण क्या है तो कहते कहते हैं असत आत्मभावत संधि विच्छेद करने से क्या होगा उद्विग्न बुद्धे असत असत आत्मभावात बुद्धि के उद्विग्न का कारण क्या है कि असत वस्तु में आत्मभाव कर बैठे हैं इस दुनिया में जो असत वस्तु है उस असत वस्तु में आत्मभाव माने ये 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 हमारी है ये अपनी है संसार की जड़ वस्तु में हम भाव अर्थात जड़ वस्तु में आसक्ति कर बैठे हैं तो इस संसार की जड़ वस्तु में हम आसक्ति कर बैठे हैं इस आसक्ति के कारण हमारी बुद्धि उद्विग्न है लेकिन यदि कोई व्यक्ति अच्छु पादाम्बुज पादामबुज उपासन भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति करेगा यह सनातन धर्म भागवत धर्म का पालन करेगा यत्र निवर्तते भी वह व्यक्ति यत्र इससे किससे जो बुद्धि उद्विग्न हो चुकी है संसार में आसक्त हो चुका है यत्र निवर्तते वह व्यक्ति यहाँ से निवृत्त हो जाएगा मतलब बुद्धि की उद्विग्नता दूर हो जाएगी संसार की आसक्ति मुक्त हो जाएगी भी माने बुद्धि सो बुद्धि से ये सारी बातें ये सारे दोष निकल जाएंगे जो दोष संसार हमारे दुख के कारण बनते हैं और ये कैसे निकलेंगे अच्युत भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति करने से तो ये तो ये तो स्टार्टिंग है स्टार्टर है अब इस भागवत धर्म के लक्षण के विषय में बताते हैं भयच्युत पा पादाम बुजोपा सनमतृ नीत्यम उद्वीघ्न बुद्धे रसदात्म भावाद विश्वात्मनाय तृनवर्तते भी नवयोगेश्वर में से कवि ऋषि कहते हैं कि हे निमे महाराज अच्युत पादाम्बुजो उपासनम यत्र नित्यम भागवत धर्म सनातन धर्म का सार है कि अच्युत भगवान श्री कृष्ण की पादाम्बुज अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शरण को ग्रहण करना कृष्ण की शरण लेना कृष्ण को शरणागत होना ये भागवत धर्म है ये सनातन धर्म है इस संसार में कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी जीव के पास जाएंगे हमारा छोटा मोटा कल्याण हो सकता है लेकिन आत्यंतिक क्षेम परम कल्याण नहीं हो सकता चाहे चाहे कोई मनुष्य के पास जाए इवन कोई देवताओं के पास जाए हमारा परम कल्याण नहीं हो सकता परम कल्याण मात्र भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करने से ही हो सकता है और अच्युत शब्द यहाँ पर दो कारण से दिया गया है अच्युत शब्द का एक कारण यह है कि एक बार भी यदि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कोई कर ले फिर वह च्युत नहीं होता अर्थात उनका कभी पतन नहीं हो सकता वो गिर नहीं सकता और अच्युत शब्द का दूसरा अर्थ यह है कि अच्युत्य पादाम्बुज उपासनम सुंदर कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना अर्थात कृष्ण कैसे हैं जिनके सुंदर चरण है कृष्ण के चरण हैं तो हाथ भी होंगे हाथ है तो मुख भी होगा मुख है तो शरीर भी होगा इसका अर्थ यहाँ पर और एक ये भी है कि कृष्ण जो है वो साकार है ये कोई निराकार नहीं है किसी ब्रह्म किसी ज्योति या किसी निराकार की शरण नहीं स्वयं साकार स्वरूप भगवान से कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए यह निवेदन यहाँ पर किया जा रहा है सो कृष्ण का भजन कृष्ण की शरणागति कृष्ण की भक्ति करना यह है भागवत धर्म तो मानो निमी महाराज पूछे कि ये बात किसने बताई भक्तों बात की वैल्यू तब होती है जब बोलने वाला कौन है है ना जैसे दुनिया का कोई साधारण रोड पर चलता हुआ आदमी कह दे कि इस बंदे को फांसी पर चढ़ा दो तो उसकी क्या वैल्यू है चलो मैं ही बोल दूँ मैं ही बोल दूँ फलाने को फांसी पर चढ़ा दो एक नहीं हजार बार बोलूँ क्या वैल्यू है लेकिन यही स्टेटमेंट कोई जज देगा कोर्ट में बैठकर कोई जज बोलेगा कि फलाने को फांसी पर चढ़ा दो तो फिजरा लटक जाएगा तो स्टेटमेंट एक ही है लेकिन कौन बोल रहा है यह महत्वपूर्ण तो है सो अच्युत भगवान श्री कृष्ण का भजन करना यह भागवत धर्म के विषय में किसने बताया तो अगले श्लोक में बहुत सुंदर कहते हैं ये वे भागवता प्रोक्ता उपाय यात्मल अंजह पसाम विदुषा अंज पुंसा मिदुषा विद्वी भागवतान हितान विद्वी भागवता हितान कहते हैं कि ये बात ये वे ये माने ये बात और वही माने निश्चित ही भागवत धर्म के बारे में निश्चित ही भगवता प्रोक्ता भगवान ने ही कहा है तो हम लोग कहे तो हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है लेकिन ये जो सनातन धर्म भागवत धर्म के विषय में ये वे भगवता प्रोक्ता ये भगवान के द्वारा प्रऊक्ता प्रकृष्ट रूपेण उक्ता भगवान के द्वारा ही कहा गया है क्या कहा गया है उपाय ही आत्मलब्ध ये भगवान के द्वारा ही यह आ, अपनी प्राप्ति के लिए यह उपाय बताया गया है तो आत्मलब्ध ये माने भगवान ने अपनी प्राप्ति का उपाय स्वयं भगवान ने स्वयं बताया है सो भगवान ने स्वयं ही कहा है कि मुझे प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए तो यह वो ये कह रहे हैं कि भगवता प्रोक्ता उपाय भगवान ने ही ये उपाय बताया है कि उन भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है अब ये उपाय भगवान ने कहाँ बताया अनेकों जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया अर्जुन को माध्यम बनाकर उसी भगवान कृष्ण ने भागवत में उद्धव जी को बताया कृष्ण ने यह उपाय ब्रह्मा जी को बताया भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्र को बताया भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को बताया तो स्वयं भगवान ने ही यह उपाय अपनी प्राप्ति का उपाय स्वयं भगवान ने ही बताया है यदि कोई पुंशाम यदि कोई व्यक्ति विदुषाम इस भागवत धर्म के इस उपाय को जान लेता है तो सरलता पूर्वक उस भगवान को प्राप्त कर सकता है अंज पुमांस विदुष्याम यदि कोई इस भागवत धर्म को विदुषाम जान लेता है तो विद्वी भागवतान ही तान तो उस, उस भगवान को आसानी से अंज सरलता से प्राप्त कर सकता है और अन्य लोगों की भक्ति अन्य लोगों की उपासना को छोड़कर भगवान कृष्ण की उपासथा की क्या विशेषता है अर्थात अच्युत से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जिसे भागवत धर्म कहते हैं सनातन धर्म कहते हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की क्या विशेषता क्या महानता है ये बात अगले श्लोक में कवि ऋषि बताते हैं या नस्थाय राजन न प्रमादे ति चीत धावन मिलिन वानेत्रे नेत्रे न नपते दिह न नपते दिह कहते हे राजन हे राजन हे निमि महाराज स्थाय कहते हैं यान आस्थाय यान आस्था यान माने ये ऊपर जो मैंने बताया ऊपर के दो श्लोक में जो मैंने बताया कि अच्युतस्य पादाम्बुज उपासनम भगवान अच्युत भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति या उनकी शरणागति लेना यान ये बात यान इस बात के ऊपर आस्थाय इस बात के ऊपर जिसकी आस्था है इस बात के ऊपर जिसकी आस्था है किस बात के ऊपर फिर से कहूं कृष्ण के चरण कमलों की शरणागति कृष्ण की भक्ति के ऊपर जिनकी आस्था है फिर कहते हैं यान आस्था या नरो नर माने मनुष्य अर्थात कृष्ण के चरण कमलों में उनकी भक्ति में आस्था किसकी हो सकती है नर मनुष्य की हो सकती है पशुओं की नहीं हो सकती है पशु यदि चाहे तो यह कर भी नहीं सकता नर मनुष्य ही आस्था कर सकता है इसलिए मनुष्य का धर्म है कि भगवान के चरणों में वह आस्था रखे तो बहुत सुंदर कहते हैं यान आस्था नरो राजन हे राजन जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आस्था रखेगा अर्थात आस्था का अर्थ यह है फॉलो पालन करना अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करेगा आस्था के साथ तो वह व्यक्ति न प्रमादेत कर ही चित सबसे पहली बात कहते हैं कि कृष्ण भक्ति करने वाला व्यक्ति कर ही चित कभी भी न प्रमादेत अर्थात उस कृष्ण भक्ति करने वाले के जीवन में कभी भी विघ्न नहीं आएगा कर चित माने कभी भी न माने नहीं प्रमादित माने विघ्न तो यान आस्था या नरो राजन हे राजन जिस नर का जिस मनुष्य का कृष्ण के चरणों में आस्था है कृष्ण की भक्ति में आस्था है तो न प्रमाद्य उसके जीवन में कभी भी विघ्न नहीं आएगा बहुत सुंदर बात भक्तों हम भक्तों के लिए हम साधकों के लिए बहुत प्रेरणादायक और ये श्लोक याद रख लीजिएगा बड़ा सुंदर श्लोक है ये तो न प्रमादित कृष्ण भक्ति के मार्ग में सबसे पहली बात यहां पर कहते हैं विघ्न नहीं है अर्थात हमारे कर्म के अनुसार हमारे जीवन में विघ्न आए भी अब जो कर्म में लिखा है वो तो होना है लेकिन यदि कृष्ण भक्ति करते हैं तो क्या होगा पर्वत जैसे बड़े बड़े विघ्न सरसों के दाने की तरह राई के दाने की तरह हो जाएंगे यह बात किसने कही पूर्व श्लोक में आपने देखा ना ये बात स्वयं भगवान ने कही है इस धर्म का उपदेश स्वयं भगवान ने किया है कि कर्म में भी यदि लिखा है कि आपके बड़े बड़े विघ्न है लेकिन वह सरसों के दाने की तरह हो जाएंगे किसी भी प्रकार के विघ्नों से पीड़ित नहीं होगा यदि वह कृष्ण की भक्ति करेगा मदन मारुत और देवदूत गणों ने बद्री का आश्रम में भगवान नर नारायण की स्तुति करते हुए कह दिया सुरकृता बहुवंत रायालंग्य पर्रजताम पदम ते नान्यस्य बरिषी बलिदंत स्वभागान दत्ते पदम त्वमविता यदि विघ्न मूर्ति जो कृष्ण की भक्ति करता है जो ये भागवत धर्म सनातन धर्म को फॉलो करता है उसके जीवन में कदाचित विघ्न आ भी जाए तो वह विघ्नों के मस्तक पर अपना पांव रखकर वह आगे चलकर विचरण करता है तो नव प्रमाद्येत कर ही चेत कृष्ण भक्ति का मार्ग इतना सुंदर मार्ग है कि इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है भक्तो अन्य मार्ग योग मार्ग में चले जाइए कृष्ण भक्ति को छोड़कर आप योग मार्ग में चले जाइए योग मार्ग में बहुत बड़ा विघ्न है सिद्धि का सिद्धियां विघ्न देती हैं जब कोई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान जब ध्यान में फिक्स हो जाता है तब उनको सिद्धियां मिलती हैं अणिमा लघिमा अनेकों प्रकार की सिद्धि और 99 नाइन परसेंट योगी इन सिद्धियों में फंस जाते हैं और सिद्धियों में फंसने के कारण जिस उद्देश्य से योग प्रारंभ किया था वह उद्देश्य चूक जाते हैं तो अष्टांग योग आदि मार्ग में विघ्न है न प्रमाध्य कर अष्टांग योग में सिद्धियों का विघ्न है यज्ञ मार्ग में यज्ञ मार्ग में सबसे पहला विघ्न तो धुएं का है जब भी यज्ञ करने बैठते हैं आधे घंटे में तो धुएं से लाल पीले हो जाते हैं एक तो यह सीधा दिखाई दे रहा है और यज्ञ मार्ग में दूसरा विघ्न क्या है मंत्र का जाप करने में यज्ञ मार्ग में मंत्र पढ़ने में आहुति देने में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो उसका विपरीत परिणाम बिल्कुल विरुद्ध परिणाम आएगा जिसका भागवत में वर्णन है कि त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप को जब मारा गया और त्वष्टा ने जब यज्ञ किया और यज्ञ में एक अक्षर की गलती हो गई यज्ञ का परिणाम विपरीत हो गया और एक बहुत बड़ा असुर प्रकट हो गया जो उसी देवताओं को परेशान करने लगा तो यज्ञ में विघ्न है अब आगे चलिए ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्ग में भी विघ्न है ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न पहले तो वे ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं और ज्ञान मार्ग का ज्ञानी जब ध्यान में बैठता है तो अब वो सोया हुआ है कि जगा हुआ है किसी भी बात का कोई आ, 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 ये, ये ज्ञान मार्ग में सो जाना भी विघ्न है लेकिन भक्ति मार्ग में आप कथा सुनते सुनते सो सु जाओ तो बाजू वाला जगा सकता है आप माला जाप करते करते जब की मारो तो बाजू एक तो बाजू वाले के डर से ही सोएंगे नहीं क्योंकि ऊपर वाले का जितना डर नहीं है उतना बाजू वाले का होता है एक तो बाजू वाले के भय से सोएंगे नहीं और ऊपर से सो भी गए तो भक्ति मार्ग में सपोर्ट है एक दूसरे को हेल्प की जा सकती है लेकिन अन्य मार्गों में ऐसा नहीं है अन्य मार्ग में विघ्न है विरक्ति मार्ग में संसार की सभी वस्तुओं को नकारते नकारते भगवान की कृपा प्रसाद को ही नकार देते हैं ये विघ्न है और देवी देवताओं की उपासना के मार्ग में यदि देवी, देवताओ की में गए, तो देवी देवताओं की उपासना में गलती हो गई तो वही देवी देवता नड़ते हैं मारने तक तैयार हो जाते हैं लेकिन कृष्ण भक्ति के मार्ग में न प्रमाध्य कर ही चित किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है, है। कृष्ण भक्ति के मार्ग में कितनी भी गलती हो जाए है। अब रत्नाकर नाम का डाकू था वो राम भी ठीक से नहीं बोल सकता था तो वो मरा मरा बोलता था लेकिन मरा मरा बोलकर भी भगवान ने उसको राम का फल प्रदान किया और उनका उद्धार कर दिया पूतना राक्षसी कृष्ण के पास गई यद्यपि मारने के लिए गई थी लेकिन फिर भी गई कृष्ण के पास कृष्ण ने पूतना को अपनी माँ बना लिया अपने धाम वैकुंठ में भेज दिया कहने का अर्थ यह है एन केन प्रकार यदि भागवत धर्म या भगवान श्री कृष्ण की हम भक्ति करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होता फिर आगे बहुत सुंदर कहते हैं दूसरी लाइन तीसरी लाइन कि यान आस्थाय नरो राजन हे राजन यान आस्था कृष्ण भक्ति के मार्ग पर जिनकी आस्था है या कृष्ण भक्ति के मार्ग पर जो चल रहा है पहले तो उनको कोई विघ्न नहीं होगा न प्रमादित कर ही चित दूसरा क्या होगा धावन मिलिन व दूसरा धावन धावन माने दौड़ना धावती दौड़ना उन व नेत्र माने आंखें बंद करके वो कृष्ण भक्ति के मार्ग में दौड़ सकता है कृष्ण भक्ति का मार्ग ऐसा है जहां पर दोनों आंख बंद करके आप चल नहीं सकते दावन दौड़ सकते हैं और कहते दावन मिलिनवान नेत्रे नेत्र न कृष्ण भक्ति के मार्ग में आंखें बंद करके दौड़ोगे फिर भी न स्खलित होंगे और न पते दिह और न तो पतित होंगे बहुत सुंदर बात है कृष्ण भक्ति के मार्ग में आंखें बंद करके दौड़ने का अर्थ क्या है कृष्ण भक्ति के मार्ग में आंखें बंद करके चलने का पहला अर्थ यह है शिव सिद्धर स्वामी श्लोक की टीका में लिखते हैं कि श्रुति स्मृति उभय नेत्रे श्रुति और स्मृति व्यक्ति की दो आंख मानी गई है श्रुति जो है वो सनातन सत्य सिद्धांत जो है उसे श्रुति कहते हैं और देश काल पात्र के अनुसार समय समय के अंतर पर समय के अनुसार जिस सिद्धांत में बदलाव होता है उसे स्मृति कहते हैं तो श्रुति और स्मृति मनुष्य की दो आंखें मानी गई हैं। परंतु यदि कोई कृष्ण भक्ति करता है कोई श्रुति का ज्ञान न हो या स्मृति का ज्ञान न हो किसी भी प्रकार का ज्ञान न हो मात्र बिना कोई ज्ञान प्राप्त किए भी यदि कृष्ण का नाम लेता है कृष्ण की कथा सुनता है फिर भी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा तो आंखें बंद करके चलने का अर्थ है कि बिना कोई ज्ञान ग्रहण किए है ना कई बार हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण के नाम की महिमा हम नहीं जानते हम महामंत्र का जाप करते हैं तो महामंत्र का तत्व नहीं जानते तो भगवत नाम भगवत नाम का तत्व रहस्य कुछ भी न जाने फिर भी यदि हम वह लेते हैं तो वह काम करेगा जैसे दवाई यदि किसी को रोग हुआ है और दवाई ले ले भले उसको दवाई का कॉम्बिनेशन न पता हो कि इसमें क्या है लेकिन यदि वो लेता है तो रोग दूर हो जाता है भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति जो है औषधि के समान है बिना समझे बिना पता चले भी यदि हम उसे ग्रहण कर लेते हैं तो वह काम कर देती है तो निमिल्य नेत्रे आंखें बंद करके भी कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है अर्थात किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त किए बिना कोई विद्वान कोई पंडित बने बिना छोटे छोटे बच्चे भी इस मार्ग पर चल सकते हैं और चलने की बात दूर रही यहां चलना नहीं यहां तो दौड़ने की बात कह रहे हैं धावन मिलनवान नेत्र वह दौड़ सकते हैं भक्तों चलने में और दौड़ने में क्या अंतर है चलने में और दौड़ने में अंतर होता है यहाँ पर दौड़ने की बात हुई है मतलब कुछ विशेष चीज़ है चलने में और दौड़ने में अंतर है क्या अंतर है दौड़ने में क्या होता है अपना पांव जो है ना वो ठीक से पड़ता नहीं है आप जब चलोगे तो अपने स्टेप एकदम ठीक से चलेंगे लेकिन जब दौड़ोगे तो पांव कभी यहां कभी यहां दौड़ने में एक तो अपना पांव ठीक से नहीं पड़ता और दूसरा दौड़ने में भूमि जो है वो ज्यादा छूट जाती है आप जब चलोगे तो आधा फुट आधा फुट अपना पांव रखोगे लेकिन दौड़ने में कभी डेढ़ फुट कूद जाओगे कभी तो भूमि ज्यादा छूट जाती है तो यहां धावन यहां दौड़ने की बात कृष्ण भक्ति के मार्ग पर कोई चले नहीं यदि कोई दौड़े तो दौड़ने का पहला अर्थ यह है कि पांव ठीक ना पड़े अर्थात कृष्ण भक्ति के मार्ग में यदि विधि विधान को हम ठीक से फॉलो भी ना करें फिर भी पहुंच जाएंगे अर्थात विधि विधान क्या है भगवान को कभी अगरबत्ती दिखाना दिया दिखाना कभी दिया पहले दिखाया अगरबत्ती बाद में दिखा दी है कभी कभी हरी नाम का जब कर रहे हैं तो जब करते करते वह सुमे उससे से हमें रिटर्न होना होता है रिटर्न न होकर गोल गोल घुमा दिया माला को है ना तो ये होते हैं दौड़ने में जैसे पांव कभी यहाँ कभी वहां चले जाते हैं है? तो विधि विधान में कृष्ण भक्ति के मार्ग में विधि विधान में यहां वहां हो जाए तो किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है तो कहते हैं दावन मिलिनवान व नेत्रे न स्खलेत न पतेत यदि विधि विधान में कोई गलती हो जाए फिर भी कोई दोष नहीं है कृष्ण कभी ऐसा नहीं सोचते कि इसने कोई गलती की है और दूसरा दूसरा धावन दौड़ने में दूसरा क्या होता है कि भूमि ज्यादा छूट जाती है जब हम दौड़ते हैं तो भूमि ज़्यादा छूट जाती है तो कृष्ण भक्ति के मार्ग में आज आपने कथा सुनी कल कथा सुनी परसों कथा सुनना छूट गया आज भगवान का नाम लिया कल भगवान का नाम लिया परसों आपने भगवान का नाम लेना छोड़ चौड़ दिया छोड़ना नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पर महिमा बताई जा रही है कि दौड़ते दौड़ते भूमि ज़्यादा छूट जाती है तो कृष्ण भक्ति के मार्ग में कभी कोई विधि विधान छूट भी जाए फिर भी कोई विघ्न या कोई आपत्ति नहीं है, है? क्यों क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है क्यों क्योंकि कहा गया कि ये प्रेम का मार्ग है और जो प्रेम का मार्ग होता है उस प्रेम के मार्ग में यह चीज़ मायने नहीं रखती है जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि ऑफिस में कोई नौकर आया पानी देने के लिए गिलास गिरा फूट गया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा लेकिन वही पानी का गिलास पत्नी लेकर आई और गिलास फूट गया तो पत्नी को निकाल सकते हैं पत्नी को तो कहेंगे नहीं नहीं कोई चिंता मत करो कल नया लेकर आएंगे क्यों क्योंकि पत्नी से प्रेम है और जहाँ प्रेम होता है वहाँ दोष नहीं देखा जाता कृष्ण भक्ति का मार्ग भागवत धर्म का मार्ग सनातन धर्म का मार्ग ये प्रेम का मार्ग है और इस प्रेम के मार्ग में कोई दोष नहीं देखा जाता सो so, धावन मिलियन मान्य दौड़ते हुए भी यदि कोई आंख बंद करके दौड़े कृष्ण भक्ति के मार्ग में फिर भी न न पतेत अब यहां पर प्रश्न होगा ना स्खलित और पतेत में क्या अंतर है स्खलित होना और पतित होने में क्या अंतर है थोड़ा सा अंतर है स्खलित न न पतेत स्खलित माने कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलते डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे स्खलित माने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं ऑन द वे हम ऑन द वे हम मार्ग पर चल रहे हैं तो चलते हुए मार्ग से न स्खलित हम स्खलित मतलब गिरेंगे नहीं और पतेत माने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद हम गिरेंगे नहीं दो चीज होती हैं एक ऑन द वे एक तो मार्ग पर चलते हुए हम गिरेंगे नहीं और एक डेस्टिनेशन पर पहुंचकर हम गिरेंगे नहीं कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य किसी की भी भक्ति कर लो देवी देवता फलाने मैं जब कृष्ण बोलता हूं तो भक्तों इसका अर्थ है कृष्ण राम विष्णु आपकी जिसमें भी आस्था हो आप उसे पकड़ सकते हैं इसमें कोई यह नहीं है चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे विष्णु लेकिन इनको छोड़कर अन्य किसी की भी भक्ति में विघ्न है इसलिए भागवत में कहा गया ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वी असत भावा अविशुद्ध बुद्ध परम पदम तत्त्योना बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे कृष्ण इस संसार में कुछ लोग आपसे आपकी भक्ति नहीं करते आप, आप में अश्रद्धा अविद्या के कारण वे अलग अलग मार्ग को स्वीकार करते हैं और अलग अलग मार्ग को स्वीकार करके आरुहर्य कृष्ण परम पदम तत् वो परम पद को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन असत भावात कृष्ण आपके अंदर उनकी भक्ति नहीं होने के कारण, कारण पतंत्य वो परम पद पर पहुंचकर भी पतंती वो इस धरती पर गिरते हैं इसलिए यहां पर कहते हैं कि अन्य अन्य किसी भी मार्ग में जाओगे परम पद को प्राप्त करके भी वहां से गिरने का भय है लेकिन कृष्ण भक्ति के मार्ग में कृष्ण की भक्ति करके यदि कोई परम पद को प्राप्त कर लिया तो गिरने का भय नहीं है तो इसे कहते हैं न पतेत और न स्खलित माने ऑन द वे यदि मार्ग पर मतलब साधक हम लोग उस मार्ग पर चल रहे हैं तो इस मार्ग पर चलते हुए भी किसी भी व्यक्ति का न स्खलित होगा न पतन होगा कोई व्यक्ति गिरेगा नहीं कृष्ण भक्ति के मार्ग में केवल और केवल प्रोग्रेस है केवल और केवल उन्नति है, है तो ये हो गया महिमा है अब निमी महाराज ने कहा कि प्रभु अब 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 बहुत महिमा हो गई अब क्लियर कट बता दीजिए करना क्या है, है सब कुछ पता चल गया कि भाई स्वयं भगवान ने यह मार्ग बताया इस मार्ग में कोई टेंशन नहीं है कोई चिंता नहीं है गलती भी हो गई माला छूट भी जाए नो प्रॉब्लम आपने संकल्प लिया है माला करनी चाहिए संकल्प के साथ करनी चाहिए रात को 12 बजे तक अपने जो राउंड्स हैं कंप्लीट करके ही सोना चाहिए फिर भी यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है आप ऑफिस के काम से किसी और काम से यदि कुछ चूक भी हो गई कोई चिंता नहीं है ये श्लोक हम सब भक्तों को बड़ा उत्साह देता है बड़ी प्रेरणा देता है कि यदि कृष्ण भक्ति के मार्ग में कोई चूक हो गई लकीर के फकीर बनने की जरूरत नहीं है प्रभुपाद ने कहा अति नियम अति आग्रह करने की जरूरत नहीं है कृष्ण भगवान श्री कृष्ण बहुत ब्रॉड माइंडेड है इस भक्ति के मार्ग में यदि कोई आगे पीछे हो गया कुछ गलती हो गई कोई चिंता नहीं है भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं और प्रेम के मार्ग में भगवान क्षमा कर देते हैं इसलिए न स्खलित न पते तब जब ये सारी बातें सुनी तो निमी महाराज ने कहा प्रभु अब क्लियर कट बता दीजिए करना क्या है ये भागवत धर्म की डेफिनेशन यदि कोई आपको पूछे कि भाई टॉप मोस्ट धर्म है सनातन धर्म टॉप मोस्ट धर्म है भागवत धर्म तो सनातन धर्म भागवत धर्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है तो भक्तो अगला श्लोक भागवत धर्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन सनातन धर्म की डेफिनेशन और करना क्या है क्लियर कट बताया गया है ये है भागवत धर्म का ये नवाचा मन सेन्द्रियवा बुद्धियात्मनावा नुश्रुत करोतीयत यकलम करोति यत सकलम परस में, में। नारायणाये ति समर्पय नारायणा ति तो प्रभु बताइए करना क्या है नव योगेश्वर मुनि में से कवि ऋषि ने कहा कि निवि महाराज कुछ अलग से नहीं करना है एक बात याद रहे कि सनातन धर्म भागवत धर्म में अलग से कुछ नहीं करना है हम हमारी काया से इंद्रियों से जो करते आए हैं वही करना है बस केवल हमारे कार्यों को डाइवर्ट करना है तो पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि घर छोड़कर निकल जाओ मंदिर में बैठ जाओ मुंडन करके बस धोती कुर्ता पहनकर बस बस निकल पड़ो ऐसा कुछ नहीं जो कर रहे हो वही करो लेकिन अपने कार्यों को डाइवर्ट करो कैसे तो कहते हैं काये न काये न माने काया से अपने अपनी पूरी काया से है? वाचा माने अपनी वाणी से आप लोग गिनिएगा एक दो स्मित स्मित जरा ऐसे उंगली ऊपर करके गिनना है? तो पहले हुआ कायन न काया से दूसरा हुआ वाचा माने वाणी से हम लोग वाणी से बहुत कुछ करते हैं न वाणी से ज़्यादा से ज़्यादा तो बस लोगों की निंदा ईर्ष्या जो करते हैं लेकिन यहाँ कहते हैं वाणी से फिर तीसरा है मन से ये वो महाराष्ट्र की मन से सेना नहीं उद्धव ठाकरे वाली है? राज ठाकरे वाली मन से वाले अपने मन से <coughs> माने फ्रॉम अवर माइंड अपने माइंड से मन से तो कितने हुए तीन हुए ना कायन वाचा और मन से अपने मन से फिर इंद्रिय अपनी इंद्रियों से आंख कान नाक त्वचा जीवा इंद्रियों से कितना चार ओके okay. फिर आगे कहते हैं बुद्धिया अपनी बुद्धि से बुद्धि से फिर आगे कहते हैं आत्मना अपनी आत्मा से फिर और आगे बढ़ते हुए कहते हैं वा अथवा अनुश्रुत स्वभाव अपने स्वभाव से कितनी चीज हुई सात हुई तो काया से वाणी से मन से इंद्रियों से बुद्धि से आत्मा से और अपने स्वभाव से इन सारे वस्तुओं से करोती आप जो भी करते हो फिर और आगे कहा गया यत सकलम सकलम माने सब कुछ माने एक दो चीज भी छोड़नी नहीं है अपनी काया से वाणी से मन से इंद्रियों से बुद्धि से आत्मा से और स्वभाव से यत यकलम करोती जो जो आप करते हो सकलम वह सब कुछ वह सब कुछ नारायणा ये थी भगवान नारायण को भगवान कृष्ण को विष्णु को राम को समर्पण कर देना यही है सनातन धर्म यही है भागवत धर्म अब इसमें कौन सी कॉम्प्लीकेट मैटर है दुनिया के कुछ लोगों ने भक्ति को बहुत कॉम्प्लिकेट बना रखा है कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है बिल्कुल सिंपल चीज़ है पहले महिमा बताई गई और अब कार्य बताया गया अपनी काया से जो भी करते हो नारायण को अर्पण करो वाणी से जो करते हो नारायण को अर्पण करो मन से इंद्रियों से बुद्धि से आत्मा से स्वभाव से जो भी हम करते हैं भगवान को अर्पण करना तो एक एक वस्तु में हम आगे बढ़े तो मन से मन में जो भी विचार है कैसे या प्रीति नाम, आ, विश्वस ये न पाई नहीं जैसे कोई अविवेक पुरुष अज्ञानी पुरुष की मति मन जैसे किसी स्त्री में फंसा हुआ होता है और रात दिन फिर युवती नाम यथा द्युति युनाम च युवतो यथा फिर रात दिन वो उस युवती का उस स्त्री का चिंतन करता है ठीक उसी प्रकार कहते हैं अपने मन को नारायण एति समर्पय किसी युवती में किसी स्त्री में किसी वस्तु में नहीं नारायण के समर्पण में नारायण के स्मरण में लगा दो तो हो गया भागवत धर्म हो गया सनातन धर्म हो गया सबसे टॉप मोस्ट का धर्म करना कुछ नहीं है मन दुनिया में जो लगा रहे हैं वो भगवान में लगा दो ये वाणी जो है बस दुनिया की चर्चा करने में शेयर बाजार का भाव कितना है फलाने क्रिकेटर ने क्या स्कोर किया वहाँ स्नूकर शौ में क्या हुआ ये क्या हुआ दिल्ली में क्या हुआ पाकिस्तान में क्या हुआ यह वाणी जो दुनिया की चर्चा में हम लगा रहे हैं ना दुनिया की चर्चा में न लगा कर भगवान की चर्चा में लगाए यह है सनातन धर्म अपनी बुद्धि को शास्त्र पढ़ने में लगाना यह है सनातन धर्म अपने स्वभाव को यदि क्रोधी स्वभाव है तो हनुमान जी की तरह जो भगवान की निंदा आदि करते हैं उन पर क्रोध करना और यदि अच्छे व्यंजन भोजन खाने का स्वभाव है मेरी तरह तो भगवान का प्रसाद खाना यहाँ भूखा नहीं रहना है यहाँ तप तपस्या तपस्या नहीं करनी है खाओ पियो मौज करो लेकिन नारायण आये लेकिन नारायण को अर्पण करके जो भी करो नारायण को अर्पण करके तो करोति यत यत सकलम आप जो भी करते हो ये सब कुछ नारायणायेति आये थी भगवान को अर्पण कर दो हमारे पूर्ववर्ती भक्तों ने यही किया भक्त इसे समझ सकते हैं महाराज अमरीश के जीव दिनचर्या से महाराज अम्बरीश सवे मन कृष्ण पदार विंद यो अपना मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगाते वांचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन अपनी वाणी वैकुंठ भगवान कृष्ण का गुणगान करने में करो हरेर मंदिर मार्जनादीशु अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में सजाने में लगाते और श्रुतिम चकार अच्युत सत् कथोदये अपने कान को भगवत कथा सुनने में लगाते मुकुंद लिंगा धृतदर्श ने दृशो अपनी आँखें भगवान के सुंदर विग्रहों को देखने के लिए वे लगाते और तत्वृत्त्य गाथा स्पर्शे अंग और अपने शरीर को भक्तों के साथ आलिंगन करने में लगाते घ्राणमच तत्पाद सरोज सौरभ है अपनी नासिका को भगवान के चरणों में लगी हुई केसर कस्तूरी चंदन तिलक में लगाते और अपनी जीवा को रसना जीवा को तत अर्पिते भगवान को भोग लगाए हुए प्रसाद खाने में लगाते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पण अपने चरण मात्र भगवत तीर्थ भगवत मंदिर में जाने के लिए इस्तेमाल करते और शिरो ऋषि केशव पदाभिवंदने और अपना शीर भगवान ऋषिकेश भगवान के चरणों में झुकाने में लगाते और कामम च दास न तो काम काम्य कामनाएं होती थी इच्छा किसको नहीं होती कामना किसको नहीं होती लेकिन कामना दास समझकर अपने आप को हरि का दास समझकर अपनी कामनाओं को पूर्ण करते यथा उत्तम श्लोक इस प्रकार से भगवान का भजन करते तो भक्तों ये हैं सनातन धर्म ये हैं भागवत धर्म भागवत धर्म का अर्थ है कि जीवन में हम जो भी करते हैं हम भगवान को अर्पण कर दें अन्य अन्य मार्ग में अन्य अन्य धर्म में बड़ा कष्ट है लेकिन भागवत धर्म सनातन धर्म सरल मार्ग है मैं अक्सर एक छोटा सा दृष्टांत देकर इस बड़े सिद्धांत को समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक शहर का आदमी गांव में गया और गांव में जिस घर पर रुका था वहाँ पर देसी गाय थी और जब गाय को दोहते हुए देखा और जब दूध निकला तो इसके मुंह में पानी आ गया कि आज तक वो थैली का दूध पिया हूँ वो कैन का दूध पिया हूँ पता नहीं किसका दूध आता है लेकिन आज गाय का ताज़ा दूध देख रहा हूँ तो मुंह में पानी आ गया मुझे दूध पिलाओ तो जिसका घर था बोले कहा कि ये गाय का दूध पीने के लिए नहीं है तो कहा गाय का दूध पीने के लिए नहीं बोले नहीं तो क्या करने के लिए बोले दही बनाने के लिए है उसमें खटास डाली गई रात को बंद करके रख दिया और दूसरे दिन दही बना और जब दही बना तो इसके मुंह में पानी आ गया कि बोले अब दही तो खिलाओ दही खाने का मन कर रहा है बोले दही खाने के लिए नहीं है।, है अच्छा दही भी खाने के लिए नहीं तो दही किसके लिए बोले दही माखन बनाने के लिए है ठीक है फिर उसमें मंथानी डाली गई और उसमें मथा गया और छाछ अलग हो गई और सुंदर माखन जब माखन अब ये तो बटर खाया हुआ आदमी रात दिन बटर पता नहीं किससे बनता है।, है जब ताजा गाय का माखन गाय के दूध दही का जब माखन देखा मुंह में पानी आ गया बोले माखन खिला दो बोले नहीं खबरदार ये माखन खाने के लिए नहीं है अच्छा माखन भी खाने के लिए माखन तो क्या करोगे माखन को गर्म करेंगे और घी बनाएंगे उस माखन को पात्र में रखा चूल्हे पर चढ़ाया और उसे गर्म किया गया जो अन्य भाग था वो अलग हो गया और सुंदर सुगंधित घी तैयार हुआ गाय का सुंदर सुगंधित घी तैयार हुआ और घी को देखकर इसके मुख में पानी आ गया बोले अब तो घी तो घी तो खिलाओ बोले नहीं घी खाने के लिए नहीं है बोले घी भी खाने के लिए नहीं तो ये घी किसके लिए है घी ज्योत जलाने के लिए है घी दिए में डालने के लिए दिए में डालकर जोत जोत से जोत जलाए जा दूध दूध छोड़ दिया दही बनाया दही भी छोड़ दिया माखन बनाया माखन भी छोड़ा घी बनाया और घी जब बना तो दिया बनाकर जला धुआं बना दिया तो ये है अन्य मार्ग ये है कृष्ण भक्ति को छोड़कर यह अन्य मार्ग लेकिन कृष्ण भक्ति का मार्ग कैसा है बोले दूध का दही दही का माखन माखन का घी और फिर घी बनाकर धुआं नहीं करना है घी बनाकर घी के लड्डू बनाने हैं और लड्डू भगवान को धराने हैं और भगवान उसे खाने के बाद तुम ही निवेदित भोजन करे ही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे ही महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णव है भगवान को भोग लगाकर खाओ पियो और बस आनंद करो ये है भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग जो है इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा सुसुखम कर तुम अव्ययम अर्जुन ये भक्ति मार्ग की विशेषता है कि भक्ति मार्ग करते हुए भी सुसुखम आनंद मिलता है और भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग में चलते हुए भी आनंद और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाने के बाद भी आनंद लेकिन भक्ति मार्ग को छोड़कर अन्य जितने भी मार्ग हैं उस मार्ग में भी कष्ट और डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भय है लेकिन धन्य है ये भागवत धर्म भक्ति का मार्ग सुसूखम कर तो कितना मुझे बताइए ये, ये कथा सुनने में बोलने में कितना आनंद है कितना रस है तो ये 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 भक्ति मार्ग में भी रस आनंद और इसके इससे जो प्राप्त होगा जिस लक्ष्य की प्राप्ति होगी उसमें भी आनंद है तो भक्तों ये हैं ये हैं मुनाफे का धंधा एटले खोट नो धंधों मुकी दे जो तुम्हें हैं जे ए, साधन उपासना करने में जो कष्ट होता है जो धुआं धूल धुएँ में परेशानी होती है फिर करने के बाद भी कुछ मिलता तो है नहीं उससे तो अच्छा है कि ये भक्ति भक्ति मार्ग तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप से बताया गया कि भक्ति मार्ग का अर्थ क्या है अपनी काया को भगवान की सेवा में लगाना वाणी को मन को इंद्रियों को बुद्धि को स्वभाव को प्रत्येक इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना ये है भागवत धर्म ये है सनातन धर्म यह है टॉप मोस्ट का धर्म ये तो शिल्प प्रभुपाद की कृपा है भक्तों के शास्त्र के इन श्लोक और सिद्धांतों को हम गहराई से और एज इट इज ये जो कहना बताना चाहते हैं हम इसे ध्यान से विस्तार से सुन सकते हैं समझ सकते हैं और अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं तो धन्यवाद आप सभी भक्तों का शेष भाग बाकी हैं हम कल इसका श्रवण करेंगे मैं यहीं पर विराम करता हूँ आप सभी भक्त बड़े भाव से बड़े प्रेम से श्रद्धा से कथा का श्रवण किए आप सभी भक्तों का धन्यवाद और विशेष धन्यवाद इंद, इंदिरा बेन और कांतिलाल देसाई जी के इस पूरे परिवार का जिन्होंने बड़ी लगन से इस सुंदर कथा का आयोजन किया है और इस कथा के द्वारा अनेक अनेक भक्तों को भागवत और भक्ति के सिद्धांतों को समझने का यह सुंदर अवसर मिला और मुझे अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई रमेश भाई किशोर भाई बहन और हमारी हेमी माता जी आप सभी भक्तों का धन्यवाद हरे कृष्ण ग्रंथराज भागवतम महापुराण की शिल प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जै जै श्री राधे, जै जै श्री राधे